से आए हैं, थोड़ा जोर से बोलो जोहार। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जोर से बोलेंगे तो जमीन बचेगी। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। सभी को से मैं आपको कोटि कोटि जोहार करता हूँ आपके सामाजिक आंदोलन में। तो इस जमीनों को बचाने के लिए आप सबको जागरूक होना पड़ेगा और सबको बोलना पड़ेगा, कानून से लड़ना पड़ेगा। आप सबकी यहां पर ये जो लड़ाई है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है, एकांत में बैठ करके कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। कोई पुलिस वाले परेशान तो नहीं कर रहे? वही देखना हो डिस्टर्ब मत करना, अब तो विधायक बन गया हूं मैं। विधायक तो सैलाना का हूं लेकिन विधानसभा सदस्य पूरे मध्य प्रदेश का हूं, पूरे एमपी की लड़ाई लेकर चलता हूं मैं। इसलिए आदिवासी इलाके में ज्यादातर लोग अनपढ़ बेचारे पढ़ नहीं पाए किसी कारण से, कानून नहीं जानते हैं। कृपया प्रशासन के लोग मेरे समाज के लोगों को डराएंगे नहीं। साथियों पिछले वीडियो में आपने यहां पर देखा बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से और अधिकतर स्टेट में वो वीडियो देखा गया राइट, उसमें आपने यहां पर ये देखा कि किस तरीके से आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियार के द्वारा जितने भी अधिकारी जो माइनिंग अधिकारी जो स्टेज पे आए थे और बाकी जो SDM आए थे उनके आमने सामने किस तरीके से बहस हो और किस तरीके से उनको जो वास्तविकता है वो उनसे उगलवा दी। मतलब वास्तविकता यहां पर क्या है उस पिछले वाले वीडियो में आपने देखा है, और यदि पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो बहुत जोरदार और बहुत ही शानदार नॉलेजेबल वीडियो है, आपको उसको जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में आप सभी साथियों के लिए कमलेश्वर डोडियार के द्वारा कुछ ऐसे की पॉइंट बताए गए हैं जिसके माध्यम से जिसके बल पर आपके क्षेत्र में यदि ऐसी कोई घटना हो रही जो जमीन अधिग्रहण की या फिर आपकी जमीन को किसी ने अधिग्रहित किया है तो इस तरीके का कोई मामला है तो उसमें आप किस तरीके से अधिकार जो भी मामला है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये मामले अधिकतर जमीन अधिग्रहण के मामले बहुत ज्यादा अभी हाईलाइटेड है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। और वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि 90% लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाते, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को ध्यान से देखें समझें। मेरे को यह जानकारी मिली कि आपके इस वाले इलाके में 14,000 हेक्टेयर जमीन ली जा रही। कितनी? 14,000 हेक्टेयर। आप में से कोई बुजुर्ग हाथ में कोई बैठे होंगे, आपको अगर कोई पूछ लिया जाए कार हताल डोकरा केतरी हो गए 14,000 हेक्टेयर, चार दिन तक दारू पिएगा माथो कबड़े गाते याद नहीं आवेगा। इतनी ज्यादा जमीन यूरोप के अंदर तो छोटे छोटे देश बने हुए इतनी जमीन में, क्या डिनोर साहब क्या एक देश बन जाता है इतनी जमीन में? 14,000 हेक्टेयर जमीन। आप और हम अगर पढ़े लिखे लोग जब मेट्रो शहर में जाते हैं, इंदौर भोपाल दिल्ली बम्बई कहीं और भी बाजार में हम लोग जाते हैं, पेशाब लग जाती है। अपना कोई फ्री में पेशाब भी नहीं करने देता है, करने देता क्या है? मैं वही कह रहा हूं ना, पेशाब करना मुसीबत हो जाती शहर में एक आदिवासी आदमी को। और ये 14,000 हेक्टेयर जमीन ले रहे हैं ये किसका पूछ के ले रहे हैं? आप लोगों से पूछा क्या? नहीं पूछा। उधर महिला बेटी हो हमारे समाज की, क्यों भाई बताओ, आपसे पूछा क्या? नहीं। इधर से महिला बेटी पूछा क्या आपसे, बताओ? ये उधर नारंगी वाले तुम भी बचाओ, पूछा क्या तुमसे? देखिए नारंगी भी मना कर रही। प्रशासन नोट करना है, एक एक पॉइंट हमारा। आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी, एकमात्र विधायक आया था अकेला आदिवासी वाला, क्या क्या बोल के गया बताओ तुम? अगर मैं बोल रहा हूं वो नहीं बोलोगे आगे रिपोर्ट नहीं करोगे अदालत में, मैं आपको घसीट सकता हूं। असल में हम लोग यहां पर जो बैठे हैं ये झाबुआ जिला पड़ता है और पूरे भील प्रदेश का सबसे बीचों बीच में यह जमीन है, सबसे बीचों बीच में पूरे भील प्रदेश में हम लोग जो बैठे हैं। झाबुआ जिला ये भील प्रदेश की भविष्य में राजधानी बन सकता है। मैं किसी आनगढ़ मानगढ़ की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैंने सेंटर पॉइंट बताया आपको। जैसे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी प्रदेश के बीचों बीच में, वैसे ही भील प्रदेश के नक्शे पर झाबुआ बीचों बीच में आता है। आप में से कोई साथी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई भी आदमी आसानी से आ सकता है कि नहीं झाबुआ?
हम लोग झाबुआ को राजधानी बनाने की सोच रहे और तुम लोग उसको खोद खोद कर जाने कौन सी खनिज क्या है, ग्रेफाइट, कितना गहरा, मैग्नीज, कितना गहरा खोदने का बोल रहे हैं? वो तो पता नहीं, गाडली डोंगरे में वो तो लाखों का खोद दिया। मतलब ये लाखों में ये बता रहे, देखिए ये पूरी जमीन उल्टी पुल्टी करने का सोच रहे हैं, घर हिल रहे हैं, मकान हिल रहे हैं, पूरे पूरे गांव हिल रहे हैं। मैं विधानसभा का सदस्य हूं, नियम कानून सब जानता हूं, अंग्रेजी भी जानता हूं। बिना ग्राम सभा की अनुमति के, सहमति के, प्रशासन के लोग आदिवासी गांव में जाकर के पेशाब भी नहीं कर सकते, ये कानून कहता है। ये कानून किसी अकेले आदमी ने नहीं बनाया, पूरी विधानसभा बनाती है राज्य स्तर पर। पेशा कानून बनाता पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज इन द ईयर ऑफ 1996। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट, नेम ऑफ द रिपोर्ट इज भूरिया कमेटी, वो भी हमारे दिलीप सिंह जी भूरिया ने बनाया, उन्होंने उनकी रिपोर्ट पर पैसा कानून बना। उसी कानून को ये लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी की हड़ा मांगी रख नहीं मांगी रहो सो है? भील प्रदेश आदिवासी जनसंख्या ज्यादा आबादी वाला इलाका है, आदिवासी बाहुल्य वाला इलाका है। इस देश की संसद में, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के अंदर में जो कानून बनता वो सीधे तौर पर आदिवासी इलाके में लागू नहीं हो सकता। यह कानून कह रहा है, कानून खुद ही कह रहा है कानून लागू नहीं होगा। पैसा कानून यह कह रहा है कि दूसरे कोई से भी कानून नहीं लगेगा, कुछ भी काम करना चाहे, आदिवासियों का भला करने से संबंधी कोई योजना नियम बनाना है, कोई से भी योजना का क्रियान्वयन करना है, बगैर सहमति के आदिवासी इलाके नहीं लगेगा। कारण इस देश का मालिक है आदिवासी मालिक, 5 जनवरी 2011 का जजमेंट। एक दारू पीना बंद करना पड़ेगा, ठीक है परंपरा में चलता आ रहा, लेकिन थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। अरे थोड़ा बैठ जाओ, बैठो बैठो, वो थोड़ा डाकने भी हमें मालूम पड़ी जाए। संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है, 5वीं अनुसूची जहां पर लागू है वहां पर अनुच्छेद 244 एक के अनुसार उस इलाके का शासन होगा। शासन मतलब उसका प्रशासन कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कलेक्टर होगा, कलेक्टर बना भी देगा तो करेगा क्या हो? उस इलाके में अगर थानेदार पोस्ट किया है तो वो करेगा क्या वहां पर? 244 उसमें लिखा हुआ है शेड्यूल 5 5वीं अनुसूची के कानून उसमें वो प्रावधान लागू होंगे। वो यह साफ कहता है कि आदिवासी इलाके में एक भी कानून विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा का लागू नहीं होगा। अब देखो ये ऐसी चीजें अपने हक में लिखा हुआ, मैं विधायक होने के बावजूद भी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तो जो ऐसे संघर्ष करते उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर प्रशासन के लोग आए, ये गाड़ियां दिख रही मेरे को हुटर हुटर वाली, मेरी भी हुटर ही हो, तुमको हम ये कह रहे हैं कि ये लोग बैठे हैं ये गुस्से में हैं। गुस्सा मेरे को भी आ रहा है, मैं इनको गुस्सा नहीं दिला रहा हूं, ये तो ऑलरेडी गुस्से में, क्यों होगा नहीं? आप लोग आज शांतिपूर्वक बैठे हैं, आप लोग हम जो चाहते हैं वैसा कर दीजिएगा। हम ये चाहते हैं ये जो आपका खनिज वाला ग्रेफाइट और क्या है, ग्रेफाइट और मैग्नीज का खनन करने की जो आपने अनुमतियां देने की तैयारी है, नीलाम हो चुकी है, यह सारी की सारी नीलामी तत्काल आप लोग इसको निरस्त कर दें। और अगर आप लोग नहीं करते हो निरस्त, मैं तो विधानसभा का सदस्य ही हूं, आदत पुरानी है पहले वाली, सही है कि नहीं है? तो भाई लोगों, अगली बार हम लोग ऐसे शांतिपूर्वक बैठकर नहीं करना चाहिए, फिर हम चलेंगे, संख्या बढ़ेगी लाखों की तादाद में, हो सकता हम सारे सारे कलेक्टर ऑफिस के अंदर घुस जाएं। ये सीओ साहब बैठे हुए हैं, आप लोगों का रहे अनुभव है कितना बड़ा ऑफिस होता है, 10x10 की 6x4 6x4 देखो 4x4 तो और छोटा होता, 4x4 वाले ऑफिस में कोई सा भी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का हो, पुलिस वाले दबाव में मत आना,
14,000 जमीन आप लोग ले रहे हो हेक्टेयर, छोटी मोटी बात है क्या? 4x4 का तुम्हारा ऑफिस, उसके अंदर अगर 1,00,000 लोग अंदर घुस गए, कितने पसीना गर्मी कितनी हो जाएगी, जानते हो इस बात को? इसलिए तत्काल ऑफिस को निरस्त करो। ये बातें कितना इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि इसी प्यारे से चैनल स्टडी राज 25 पर बहुत सारे साथी ऐसे जुड़े हुए हैं जो एक क्रांतिकारी भावना रखते हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन की एक चाहत रखते हैं, एक ताकत रखते हैं, राइट। और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी, राइट। तो सभी साथी इस तरीके से वन टू वन मतलब इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ऐसे ऐसे पूरा ग्रुप बन सकें और एक तरीके से एक पूरी यूनिटी बन पाए, और यही यूनिटी हर काम को आसान बनाती है, राइट। चलिए तो लास्ट में यदि दोस्तों यहां पर इस वीडियो को देख लिया आपने, समझ लिया, और उसके बाद में जो भी आपका कमेंट है वो कमेंट कर देना है, उसके बाद वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, राइट, क्योंकि 90% लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। क्लियर है? चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जोहार।